इस वीडियो में दो अपडेट आपको दी जाएंगी। एक तो टैबलेट स्मार्टफोन वितरण संबंधित अपडेट होगी और दूसरा आपके रिजल्ट संबंधित अपडेट होने वाली है। अंत तक बने रहेंगे। किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी की सबसे पहले अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो इसलिए जुड़ना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको टैबलेट स्मार्टफोन वितरण संबंधित हर अपडेट नोटिस लिस्ट मिलती रहती है, आगे भी मिलती रहेगी। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेते हैं डिटेल में जानकारी। बात कर लेते हैं पहले हम लोग रिजल्ट की, फिर बात करेंगे टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जैसा कि इन्फॉर्म आपको किया गया था, सेम उसी प्रकार से कार्य आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ। और इस समय की जो लेटेस्ट अपडेट है कि BA BSc BCom के दूसरा, चौथा, छठवां सेमेस्टर सभी का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जिनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। जैसे कि बहुत से बच्चों में अगर एरर आ रहा हो तो भी आपको वेट कर लेना है। इसके अलावा देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चों को जब वो अपना रोल नंबर फिल कर रहे हैं, जैसे सेकंड का बच्चा फिल कर रहा है और उसका फर्स्ट का ही दिख रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो सेकंड का देखना चाह रहा है लेकिन फर्स्ट का दिख रहा है, तो ऐसे भी बच्चों को परेशान नहीं होता होना है। ये भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटोमेटिक सही की जाएगी और कुछ दिन आपको वेट करना पड़ सकता है। डेली अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा, ठीक है, रिजल्ट सही हो जाएगा। और हाँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनको अब्सेंट आ गया है किसी सब्जेक्ट में, तो आपको बताया जा चुका है कि आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे और अपना प्रूफ वगैरह भेजेंगे, जिससे कि, और हो सकता है कि आप थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं और कि ऑटोमेटिक सही हो जाए। अगर नहीं सही होता है तो आप इसको अपने कॉलेज के थ्रू वहाँ पर प्रूफ वगैरह भेजेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो आपके रिजल्ट सही हो जाएगा, शो करने लगेगा, ठीक है। इसको समय से कर लेना, इसमें ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है। ये भी आपको मैं बता दूं, आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं जिनका एब्सेंट आया हुआ है पेपर देने के बाद भी। चलिए आगे बात करते हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए। जैसे PG के बच्चे, तो परेशान मत होइए, इससे पहले तो PG के रिजल्ट आए थे लेकिन उसको हटा दिया गया था। उम्मीद है बहुत ही जल्द PG के बच्चों का भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप लोग साइट को विजिट करते रहिएगा, देख पाएंगे वहाँ पर अपना रिजल्ट, ठीक है, जब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की। तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन पिछले दिनों दी गई थी, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना जो है लगातार चल रही है और जौनपुर के बच्चे काफ़ी परेशान थे कि उनको टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि हाल ही में कुछ कॉलेजों में टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कराया गया है और आप लोगों को भी जल्द ही मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपके ही यूनिवर्सिटी के बच्चे जौनपुर ज़िले में थे पाँचवें सेमेस्टर में, अब वो छठवां का रिजल्ट वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे, उनका तो आ चुका है। तो जब वो पाँचवें की परीक्षा पास किए हैं तभी उनको टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा, उनको मिल चुका था काफ़ी कॉलेजों में। तो परेशान नहीं होना है, बस इंतज़ार करना है। और कहीं कहीं तो चौथे सेमेस्टर के बच्चों को भी मिल चुका है स्मार्टफोन, तो बस सभी को वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ये थी पूरी अपडेट। वीडियो पसंद समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।